हेलो दोस्तों, क्लासवर्ड एजुकेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड यानी व्यापम का आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर के प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स के बारे में। ये 2016 का 8 नवंबर का मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर है फिटर ट्रेड का। तो दोस्तों, सबसे पहले हम इसके 25 क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं नॉन टैक वाले, और इसके बाद डिस्कस करेंगे हम 75 क्वेश्चन टेक्निकल ट्रेड के। तो पहला क्वेश्चन है इसमें, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है। चार ऑप्शन दिए हैं, भोपाल, इंदौर, उज्जैन, जबलपुर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा जबलपुर। नेक्स्ट, हमारा निम्न में से किस केंद्रीय मंत्रालय ने प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना का आरंभ किया है। ग्रामीण विकास मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, आवास तथा शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय, स्वास्थ्य तथा समाज कल्याण मंत्रालय। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे स्वास्थ्य तथा समाज कल्याण मंत्रालय। नेक्स्ट, हमारे भारत का राष्ट्रीय खेल दिवस किस उत्कृष्ट खिलाड़ी के जन्म दिवस के अवसर पर मनाया जाता है। मिल्खा सिंह, नवाब मंसूर अली खान, ध्यानचंद, माइकल फरेरा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ध्यानचंद, जो कि हॉकी के खिलाड़ी थे। नेक्स्ट, हमारे किस शहर को क्वीन ऑफ अरेबियन सी कहा जाता है। मंगलोर, पुणे, कोची, त्रिवेंद्रम। इसका करेक्ट आंसर है कोची। नेक्स्ट, पश्चिम बंगाल में किस में स्थित बक्सा संरक्षित क्षेत्र किस पशु के लिए समर्पित है। हाथी, बाघ, सिंह, चीता। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बाघों के लिए पश्चिम बंगाल में स्थित बक्सा संरक्षित क्षेत्र है, जो कि पशुओं के लिए समर्पित है। नेक्स्ट, निम्न में से किस भारतीय नेता का जन्म मध्य प्रदेश में नहीं हुआ था। बी आर अम्बेडकर, मोहनदास करमचंद गांधी, चंद्रशेखर आज़ाद, शंकर दयाल शर्मा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मोहनदास करमचंद गांधी। भारतीय पर्वतारोहण फाउंडेशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है। सिलीगुड़ी, दार्जिलिंग, दिल्ली, गंगटोक। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिल्ली में भारतीय पर्वतारोहण फाउंडेशन का मुख्यालय है। नेक्स्ट, हमारे मध्य प्रदेश की स्थापना की तिथि क्या है। 1 दिसंबर, 1 अप्रैल, 1 नवंबर, 1 अगस्त। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे 1 नवंबर। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र से हरदुल्ला की मनौती नामक लोकगीत जुड़ा हुआ है। मालवा, उज्जैन, बुंदेलखंड, डंडोरी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बुंदेलखंड। नेक्स्ट, वह महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थी जो एक बार कांग्रेस अध्यक्ष रह चुकी है, साथ ही जिन्होंने द गोल्डन थ्रेशोल्ड नामक कविताओं का संग्रह किया है। सरोजनी नायडू, इंदिरा गांधी, एनी बेसेंट, कस्तूरबा गांधी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सरोजनी नायडू। मध्य प्रदेश में देवी अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा कहाँ स्थित है। इंदौर, ग्वालियर, सागर, भोपाल। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इंदौर। दोस्तों, अहिल्याबाई होलकर के नाम से वहाँ पर कॉलेज भी है, होलकर साइंस कॉलेज। नेक्स्ट, हमारे दांडी मार्च की शुरुआत कहाँ हुई और इसका समापन कहाँ हुआ था। गुजरात से दांडी तक, साबरमती आश्रम से दांडी तक, सेवाग्राम से दांडी तक और वर्धा से दांडी तक। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा साबरमती आश्रम से दांडी तक। नेक्स्ट, अशोक के शिलालेख किस भाषा में लिखे गए हैं। पारसी, ब्राह्मी, संस्कृत, ओडिसी। इसका करेक्ट आंसर होगा ब्राह्मी भाषा में अशोक के शिलालेख लिखे हुए हैं। नेक्स्ट, कौन सी रक्त वाहिकाओं फेफड़ों से हृदय तक शुद्ध रक्त को ले जाती हैं। हेड सिरा, फेफड़े की सिराएँ, फेफड़े की धमनियाँ, कार्डियक धमनी। इसका करेक्ट आंसर है फेफड़े की सिराएँ। निम्न में से कौन सा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश के सिवनी तथा छिंदवाड़ा जिलों के अंतर्गत आता है। बांधवगढ़ नेशनल पार्क, कान्हा नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क, पैंच नेशनल पार्क। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पैंच नेशनल पार्क। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश में सहस्त्रधारा जलप्रपात किस नदी पर है। ताप्ती, नर्मदा, चंबल, माही। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नर्मदा। नेक्स्ट, 2016 में निम्न में से किस देश ने एशियन मिनिस्टेरियल कॉन्फ्रेंस ऑन डिजास्टर रिस्क रिडक्शन
की मेजबानी करी है, पाकिस्तान, चीन, थाईलैंड, भारत। दोस्तों यह उस समय करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत। नेक्स्ट, वीरों का कैसा हो बसंत नामक कविता की रचना किसने की है? सुभद्रा कुमारी चौहान, पंडित माखनलाल चतुर्वेदी, हरिशंकर परसाई, गजानन माधव मुक्तिबोध। इसका करेक्ट आंसर है सुभद्रा कुमारी चौहान। नाइनटीन क्वेश्चन, किस शहर में भारत और चीन के मध्य आतंकवाद से बचाव तथा सुरक्षा पर उच्च स्तरीय वार्ता पर पहली बैठक आयोजित करी गई थी? बीजिंग, नई दिल्ली, शंघाई, मुंबई। इसका करेक्ट आंसर है बीजिंग। नेक्स्ट, किस भाषा के लेखक सबसे अधिक बार ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित हुए हैं? कन्नड़, तेलुगु, तमिल, मराठी। इसका करेक्ट आंसर है कन्नड़। नेक्स्ट, रोंगाली, कोंगाली, भोगाली किस त्यौहार के प्रकार हैं? बिहू, रमजान, ओणम, गल। इसका करेक्ट आंसर है बिहू। दोस्तों बिहू जो है असम राज्य का त्यौहार है। नेक्स्ट, ढोला मारू मूल रूप से किस राज्य की लोकप्रिय लोक गाथा है? असम, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान। इसका करेक्ट आंसर है राजस्थान। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश को पूर्व में किस रूप में जाना जाता था? नवाब प्रांत, केंद्रीय व्यापक प्रांत, केंद्रीय जिले, केंद्रीय राज्य। इसका करेक्ट आंसर है केंद्रीय व्यापक प्रांत। एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन कारखाना मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश के किस जिले में है स्थित है? इंदौर, उज्जैन, रतलाम, खंडवा। इसका करेक्ट आंसर उज्जैन। निम्न में से कौन सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स CISF का नवनियुक्त महानिदेशक है? MN कपूर, OP सिंह, PC ठाकुर, सुधीर प्रताप सिंह। इसका करेक्ट आंसर OP सिंह। यह उस टाइम पर करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था। दोस्तों अब टेक्निकल क्वेश्चन हमारे स्टार्ट हो गए हैं। इसका पहला क्वेश्चन है, नट के किनारे पर वॉशर को मोड़कर लॉक करने के लिए किस प्रकार के वॉशर का प्रयोग किया जाता है? टैब वॉशर, लॉकिंग प्लेट्स, स्प्रिंग वॉशर, लग के साथ लॉकिंग वॉशर। इसका करेक्ट आंसर टैब वॉशर। नेक्स्ट, बेंच वाइस को अत्यधिक कसने पर निम्न में से कौन सा भाग क्षतिग्रस्त हो जाएगा? हैंडल, स्पिंडल, बॉडी, फिक्स्ड जॉ। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्पिंडल। नेक्स्ट, टेम्परिंग कितने तापमान पर की जाती है? क्रांतिक बिंदु के नीचे, क्रांतिक बिंदु के ऊपर, गलनांक, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर है क्रांतिक बिंदु के नीचे टेम्परिंग की जाती है। नेक्स्ट, स्पॉट फिशिंग ऑपरेशन के लिए प्रयुक्त होने वाला सर्वाधिक उपयुक्त औजार है? रीमर, काउंटर सिक्स, फ्लाई कटर, लेट टूल। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा फ्लाई कटर। पांचवा क्वेश्चन, विभिन्न प्रकार के स्क्रू धागे विभिन्न उपयोगों के लिए उपलब्ध हैं। समलंबाविक धागे का उपयोग किस उद्देश्य के लिए किया जाता है? रेलवे के वैगन की कफलिंग के लिए, फ्लाई प्रोसेस तथा स्क्रू जैको इत्यादि के स्पंडल के लिए, संचालन के दौरान एंगेजमेंट तथा डिसएंगेजमेंट को आसान करने के लिए, थ्रेड असेंबली में जहाँ स्लाइडिंग बल एक दिशा में कार्य करता है। इसका करेक्ट आंसर है संचालन के दौरान एंगेजमेंट तथा डिसएंगेजमेंट को आसान करने के लिए। नेक्स्ट, एक अनियमित आकार के वर्क पीस को लेथ पर घुमाया गया, निम्न में से किस वर्क होल्डिंग उपसाधन का प्रयोग किया गया? तीन जबड़ा चक्र, दो जबड़ा चक्र, ड्राइविंग प्लेट, फेस प्लेट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फेस प्लेट। नेक्स्ट, छोटे व्यास वाले होल क्षेत्र तथा छिद्रों के उभारों की स्क्रैपिंग के लिए किस प्रकार के स्क्रैपर का उपयोग किया जाता है? हॉप राउंड स्क्रैपर, फ्लैट स्क्रैपर, बुल नोज स्क्रैपर, थ्री स्क्वायर स्क्रैपर। इसका करेक्ट आंसर है थ्री स्क्वायर स्क्रैपर। नेक्स्ट, टंगस्टन कार्बाइड तथा सिरेमिक्स की लैपिंग के लिए एब्रेसिव
सामग्री का उपयोग किया जाता ही है हीरा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, बोरोन कार्बाइड, सिलिकॉन कार्बाइड। इस करेक्ट आंसर है हीरा। नौवा क्वेश्चन, ड्रिल चक ड्रिलिंग मशीन स्पिंडल पर किसके माध्यम से लगाए जाते हैं? नल रिंग, अरवर, ड्रिफ्ट, पिनियल तथा की। इसका करेक्ट आंसर है अरवर। नेक्स्ट, साइन बार के उपयोग द्वारा एक कोण का निर्धारण करने के लिए स्लिप गेज की ऊंचाई तथा साइन बार की लंबाई को किसके अनुपात का होना चाहिए? कॉस थीटा, साइन थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा साइन बार। नेक्स्ट है, निम्न में से टेपर राशियों का सही सूत्र कौन सा है? दोस्तों यहाँ पर टेपर रेशो का करेक्ट रेशो हमसे पूछा है। के इज इक्वल टू डी माइनस डी वाई आई, डी माइनस डी वाई टू आई, डी प्लस डी वाई आई, डी प्लस डी अपॉन टू आई। करेक्ट आंसर हो जाता है हमारे के इज इक्वल टू डी माइनस डी अपॉन आई। ये हमारे टेपर राशियों का रेशो का करेक्ट फॉर्मूला है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा विकल्प सरफेस रफनेस ग्रेड एनिट के आर ए का मान का संकेतक है? 6.3 माइक्रो एम, 1.6 माइक्रो एम, 3.2 माइक्रो एम एंड 12.5। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3.2। नेक्स्ट, हमारा ड्रिलिंग जिगों का उपयोग किसके लिए किया जाता है? केवल ड्रिलिंग कार्यों के लिए, रिंग के दौरान जॉब को जकड़ने के लिए, ड्रिलिंग रीमिंग टेपिंग तथा अन्य संबंधित कार्यों के लिए, ड्रिल को उचित कोण पर नुकीला करने के लिए। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ड्रिलिंग रीमिंग टेपिंग तथा अन्य संबंधित कार्यों के लिए। नेक्स्ट, स्टील पैमाने के साथ स्प्रिंग टाइप वहर मापी कैलिपरों का प्रयोग किया जाता है? कैलिपर की प्रसिद्धता है 0.25 mm, 0.50 mm, 0.75 mm, 1 mm। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 0.50 mm। नेक्स्ट, कीवेज ग्रुप्स तथा स्लॉट्स की कटिंग के लिए किस प्रकार की छीलन सीजल छैनी का उपयोग किया जाता है? फ्लैट चीजल, क्रॉस कट चीजल, हाफ राउंड नोज चीजल, डायमंड पॉइंट चीजल। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा क्रॉस कट चीजल। नेक्स्ट है, हमारे क्या होगा यदि गेट वॉल्व में स्पिंडल थ्रेड क्षतिग्रस्त हो जाए? वॉल्व कठिनाई से मुड़ेगा, वॉल्व के मुड़ने पर तेजी शोर होगा, स्टॉपिंग बॉक्स के आसपास पानी बहेगा, स्पिंडल के मुड़ने से वॉल्व का बंद होना या खोलना बंद हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे स्पिंडल के मुड़ने से वॉल्व का बंद होना या खोलना बंद हो जाएगा। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा विकल्प कोल्ड चीजल का एक प्रकार नहीं है? फ्लैट चीजल, क्रॉस कट चीजल, हाफ राउंड नोज चीजल, राउंड चीजल। इसका करेक्ट आंसर है राउंड चीजल। नेक्स्ट, वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर का वह भाग जिसका उपयोग कोण के मापन के लिए रेफरेंस बस के रूप में प्रयुक्त होता है वह क्या कहलाता है? ब्लेड, स्टॉक, डिस्क, मेन स्केल। इसका करेक्ट आंसर है स्टॉक। नेक्स्ट, टेल स्टॉक बैरल में एक आंतरिक टेपर होता है। बैरल बोर में निम्न में से कौन सा मानक टेपर प्रदान किया जाता है? मीट्रिक टेपर, मोर्स टेपर, जर्नो टेपर, भूरा एम टेस पेपर। इसका करेक्ट आंसर है मोर्स टेपर। नेक्स्ट, ब्लास्ट फर्नेस में आवेश को किसके माध्यम से प्रदान किया जाता है? ट्रॉट, स्टैक, वॉश, ट्यूबर्स। इसका करेक्ट आंसर है ट्रॉट। नेक्स्ट, जेनिक कैलिपर का उपयोग क्या ज्ञात करने के लिए किया जाता है? राउंड बार का सही साइज, बाहरी साइज, राउंड बार का भीतरी साइज, राउंड का बार का केंद्र या एंगल। तो इसका करेक्ट आंसर होगा केंद्र, सेंटर ऑफ राउंड बार। नेक्स्ट, संचकित लोहे को आरी से काटने के लिए किस कूलेंट का उपयोग किया जाता है? पानी, शुष्क वायु, केरोसिन, विलय तेल। इसका करेक्ट आंसर है शुष्क वायु, ड्राई एयर।
नेक्स्ट, निम्न में से क्या थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कैटेगरी आता है? एपॉक्सी, सेल्यूलोजिक, नायलॉन, पॉलीथीन। इसका करेक्ट आंसर एपॉक्सी। नेक्स्ट, हीट ट्रीटमेंट प्रक्रिया में एनीलिंग किसके लिए की जाती है? इस्पात को टफ करने के लिए, इस्पात को कोमल बनाने के लिए, इस्पात को कठोर बनाने के लिए, भुरभुरापन उत्पन्न करने के लिए। इसका करेक्ट आंसर है इस्पात को कोमल बनाने के लिए एनीलिंग का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, कौन सा एंगल ट्विस्ट ड्रिल में रैंक रेक एंगल बनाता है? चीजल एंगल, पॉइंट एंगल, हेलिक्स एंगल, लिप क्लीयरेंस एंगल। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हेलिक्स एंगल। नेक्स्ट, साइज की अधिकतम सीमा तथा साइज की न्यूनतम सीमा के बीच के अंतर को क्या कहा जाता है? ऊपरी विचलन, निचली विचलन, टोलरेंस, वास्तविक साइज, एक्चुअल साइज। इसका करेक्ट आंसर है टोलरेंस। मिलिंग मिक्सचर में सेटिंग ब्लॉक प्रदान करने का क्या उद्देश्य है? वर्कपीस को सहारा देना, कटर को पद स्थापित करना, फिक्चर को मशीन टेबल पर सेट करना, वर्कपीस को ज्ञात करना। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कटर को पद स्थापित करना। नेक्स्ट, तापमान में बढ़ोतरी होने पर निम्न में से कौन सा जोड़ सबसे पहले असफल होगा? सॉफ्ट सोल्जरिंग, ब्रेजिंग, वेल्डिंग, रिबेटिंग। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सॉफ्ट सोल्जरिंग। पैन हेड रिवेट किस चीज़ के लिए प्रयुक्त होता है? सामान्य कार्य, संरचनात्मक कार्य, भारी कार्य, हल्के कार्य। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा संरचनात्मक कार्य, स्ट्रक्चरल वर्क। नेक्स्ट, यंत्र के मापन वाले पृष्ठ पर जमी धूल के कणों के कारण होने वाली एरर क्या कहलाती है? इलास्टिक डिफॉर्मेशन त्रुटि, पैरेलेक्स त्रुटि, कॉन्टैक्ट त्रुटि, रैंडम त्रुटि। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कॉन्टैक्ट त्रुटि। लैपिंग का उद्देश्य होता है अतिरिक्त सामग्री को हटाना, टेपर को हटाना, उच्च सरफेस फिनिश तथा प्रसिद्धता प्राप्त करना, संघटकों की गुणवत्ता में सुधार। इसका करेक्ट आंसर है उच्च सरफेस फिनिश तथा परिशुद्धता प्राप्त करना। नेक्स्ट, स्ट्रेट सोल्जरिंग पॉइंट्स के लिए निम्न में से किस प्रकार की सोल्जरिंग आयरन का उपयोग किया जाता है? हैचिंग टाइप सोल्जरिंग आयरन, स्क्वायर पॉइंट सोल्जरिंग आयरन, स्ट्रेट सोल्जरिंग आयरन, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हैचिंग टाइप सोल्जरिंग आयरन। निम्न में से क्या ब्रिज वेल्डिंग में फ्लक्स का कारण नहीं है? जोड़ को रासायनिक रूप से साफ करना, फिलर धातु को पिघलाने से पहले वाष्पीकृत करना, जोड़ से अशुद्धियों को हटाना, संगलित फिलर धातु का निर्बाध प्रवाह करना। इसका करेक्ट आंसर है फिलर धातु को पिघलाने से पहले वाष्पीकृत करना। फाइन स्क्रू थ्रेड का पार्श्व कोण तथा स्वरूप की जांच किसके उपयोग के द्वारा की जाती है? प्लग गेज, थ्रेड माइक्रोमीटर, ऑप्टिकल प्रोजेक्टर, स्वेप गेज। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्टिकल प्रोजेक्टर। नेक्स्ट, आघात वर्धनीयता धातु का वह गुण है जो किसके निर्माण में सहायक होता है? रॉड, प्लेट, पतली सीट, तार। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पतली सीट्स। आघात वर्धनीयता यानी कि उसे एक सीट के फॉर्म में हम ढाल सकते हैं। स्टील के टेम्परिंग का उद्देश्य होता है कठोरता तथा दृढ़ता को नियंत्रित करना, भुरभुरापन कम करना, आंतरिक तनाव तथा ऐंठन से मुक्त करना, उपरोक्त सभी। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका उपरोक्त सभी। ये सभी ऑप्शन जो हैं स्टील के टेम्परिंग के उद्देश्य होते हैं। नेक्स्ट, वांछित गुणधर्म प्राप्त करने हेतु स्टील की संरचना में बदलाव करने के लिए की जाने वाली तापन तथा शीतलन की प्रक्रिया क्या कहलाती है? हार्डनिंग, हीट ट्रीटमेंट, नॉर्मलाइजिंग, टैम्परिंग। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हीट ट्रीटमेंट। लाइफ सेंटर नोज का अंतर्विष्ट कौन होता है?
थर्टी फोर्टी सिक्सटी नाइन्टीज़ का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा 60 डिग्री का होता है। साइन बार के साथ कोण की सेटिंग करते समय समकोण की कौन सी भुजा साइन बार को निरूपित करती है? सम्मुख भुजा, सन्निकट भुजा, विकर्ण भुजा, सम्मुख तथा सन्निकट दोनों भुजाएं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा हाइपोटेनियसस, विकर्ण भुजा। नेक्स्ट, लेट में ड्रिलिंग करते समय ड्रिल चक्र को किस में रखा जाता है? हेड स्टॉक पर, टेल स्टॉक पर, कंपाउंड रेस्ट पर, बेड पर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा टेल स्टॉक पर। नेक्स्ट, साइन बार के उपयोग द्वारा कोणों के मापन के लिए स्लिप गेजों की ऊंचाइयां तथा किसके मध्य के अनुपात के अनुसार निर्मित कोण होता है? साइन बार की ऊंचाई, स्लिप गेज की संख्या, साइन बार की लंबाई, साइन बार की चौड़ाई। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा साइन बार की लंबाई। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा मार्किंग मीडिया सूखने में सर्वाधिक समय लेता है? चौक पाउडर, प्रूसियन ब्लू, कॉपर सल्फेट, सेल्यूलोज लेकर। इसका करेक्ट आंसर है प्रूसियन ब्लू, सूखने में सर्वाधिक समय लेता है। वी ब्लॉक का अंतर्विष्ट कौन सदैव कितने डिग्री का होता है? 45, 60, 90, 120। इसका करेक्ट आंसर है 90 डिग्री। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा ऑपरेशन केंद्रों के मध्य रखे हुए वर्क पीस पर नहीं किया सकता है? नर्लिंग, प्लगिंग द्वारा अंडर कटिंग, थ्रेड कटिंग, पार्टिंग ऑफ। करेक्ट आंसर पार्टिंग ऑफ। नेक्स्ट, वर्नियर बेवेल प्रोट्रैक्टर में एक अंश कितने वर्नियर डिवीजन में विभाजित किया जाता है? 24, 20, 12, 10। करेक्ट आंसर 12। नेक्स्ट, लेट हेड स्टॉक की स्पिंडल नोज पर प्रयुक्त होने वाला टेपर है? जर्नल टेपर, भूरा और टेस्ट टेपर, पिन टेपर, मोर्स टेपर। इसका करेक्ट आंसर मोर्स टेपर। नेक्स्ट, वेल्डिंग में नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट होता है? टेंसाइल टेस्ट, इम्पैक्ट टेस्ट, फटीग टेस्ट, रेडियोग्राफिक टेस्ट। इससे करेक्ट आंसर हो जाएगा रेडियोग्राफिक टेस्ट। नेक्स्ट, हाई स्पीड स्टील कटिंग टूल के सामान्य संयोजन का अनुपात 18:4:1 है। इस अनुपात में 18 किस चीज़ को शो करता है? क्रोमियम, टंगस्टन, कोबाल्ट, वनेडियम। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा टंगस्टन। नेक्स्ट, एक मीटर कितने mm के बराबर होता है? तो दोस्तों यहाँ पे चार ऑप्शन दी, 100 mm, 500, 1000, 0.010। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1000 mm। नेक्स्ट, संघटक के अधिकतम साइज की सीमा तथा इसके सिंगल आधार के मध्य अंतर होता है? वास्तविक विचलन, ऊपरी विचलन, टोलरेंस, निम्न विचलन। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऊपरी विचलन। नेक्स्ट, यदि संघटक की बीमा साइज की सीमाओं के भीतर परिष्कृत की जाती है तो यह होगा न्यूनतम साइज, मूल साइज, स्वीकार्य साइज, अस्वीकृत साइज, स्वीकार्य साइज। करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न में से क्या दुर्घटना का एक कारण नहीं है? जोखिम के बारे में जानकारी न होना, उपेक्षा, उपकरणों का अनुचित उपयोग, दस्तानों का उपयोग। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दस्तानों का उपयोग। नेक्स्ट, हमारा ऐसी जिग जिसमें बेस नहीं होता है लेकिन ड्रिल किए जाने वाले जॉब पर सेट किया जा सकता है कहलाती है? बॉक्स जिग, सैंडविच जिग, चैनल जिग, ट्रूनियल जिग। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चैनल जिग। नेक्स्ट, हमारा फाइल का सकरा तथा पतला भाग जो हैंडल फिट होता है कहलाता है? फेडरल टैंग, हील टिप, जिसे हम टैंग कहते हैं। नेक्स्ट,
बेल्ट की सतह घिरनी पर लगातार रगड़ने के कारण बेल्ट घर्षण तपन ऊष्मा के कारण शुष्क होती जाती है। इसके कारण बेल्ट फिसलने लगती है। बेल्ट के फिसलन रोकने के लिए इसके भीतरी पृष्ठ पर निम्न में से किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? एमरी या कोरंडम, टेलो या पावर रेजिन, नायलॉन या टेफ्लॉन, जिंक या चौक पाउडर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा टेलो या पावर रेजिन। नेक्स्ट, उच्च गति वाले शीर्ण चक्र में किस प्रकार के बॉन्ड का उपयोग किया जाता है? रबड़ बॉन्ड, सेलेक बॉन्ड, रेजिनोइड बॉन्ड, सिलिकेट बॉन्ड। करेक्ट आंसर हो जाएगा रेजिनोइड बॉन्ड। नेक्स्ट है, आंतरिक ट्रेडों की जांच के लिए किस प्रकार के गेज का उपयोग किया जाता है? स्क्रू पिच गेज, स्क्रू थ्रेड प्लग गेज, स्क्रू थ्रेड रिंग गेज, स्क्रू थ्रेड कैलिपर गेज। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्क्रू थ्रेड प्लग गेज। हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस में नॉर्मलाइजिंग किसके लिए किया जाता है? मशीन एबिलिटी में सुधार करने के लिए, ग्रेन स्ट्रक्चर को परिष्कृत करने के लिए, कठोरता में बढ़ोतरी करने के लिए, भुरभुरेपन में बढ़ोतरी करने के लिए। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा है ग्रेन स्ट्रक्चर को परिष्कृत करने के लिए। नेक्स्ट, ठोस बुलियन बनाने के लिए कार्बन का लोहे में घुलना क्या कहलाता है? सीमेंटाइट, फेराइट, पलाइट, ऑस्टेनाइट। करेक्ट आंसर हो जाएगा फेराइट। नेक्स्ट, हमारे छिद्र की टेप के द्वारा थ्रेडिंग करने के बाद ऐसा पाया गया कि ट्रेड का क्रेस्ट पूर्ण रूप से निर्मित नहीं हुआ है। इस त्रुटि के लिए निम्न में से कौन सा कारण हो सकता है? कूलेंट की अपर्याप्त आपूर्ति, कटिंग एज की टूटी फूटी हुई नोक, छिद्र का आकार टेप ड्रिल के आकार छोटा थोड़ा छोटा होना, छिद्र का आकार टेप ड्रिल के आकार थोड़ा बड़ा होना। इसका करेक्ट आंसर है छिद्र का आकार टेप ड्रिल के आकार से थोड़ा बड़ा होना। नेक्स्ट हमारा, जब सॉफ्ट को किसके साथ जोड़ा जाता हो तब सॉफ्ट को जोड़ने के लिए कपलिंग का उपयोग किया जाता है? स्थायी रूप से जोड़ना हो, कभी कभी डिस्कनेक्ट करना हो, मिस अलाइनमेंट होने पर, जब कभी कभी डिस्कनेक्ट करना हो तथा दो शाफ्ट के मध्य मामूली असंरेखण को ठीक करना हो। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जब कभी कभी डिस्कनेक्ट करना हो तथा दो शाफ्ट के मध्य मामूली असंरेखण हो। नेक्स्ट हमारा, ड्रिल किए गए छिद्र को बड़ा करने के लिए जिस औजार का उपयोग किया जाता हुआ क्या है? फेसिंग टूल, टर्निंग टूल, फॉर्म टूल, बोरिंग टूल। इसका करेक्ट आंसर है बोरिंग टूल। नेक्स्ट, गैस कटिंग के दौरान नोजल कैसा होना चाहिए? वर्क से स्पर्श करता हुआ होना चाहिए, वर्क से 2 मिलीमीटर की दूरी पर होना चाहिए, वर्क से 5 mm की दूरी पर होना चाहिए, वर्क से 10 mm की दूरी पर होना चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वर्क से 5 mm की दूरी पर होना चाहिए। नेक्स्ट, वर्नियर कैलिपर की डेप्थ बार किस में संलग्न रहती है? मेन स्केल में, फिक्स्ड जॉ में, स्क्रूज में, मूवेबल जो में। इस करेक्ट आंसर है मूवेबल जो में। नेक्स्ट हमारा, लेट का हेड स्टॉक किस में स्थित होता है? लेट ब्रेड के दाएं सिरे पर, लेट ब्रेड के बाएं सिरे पर, लेट ब्रेड के मध्य में, लेट ब्रेड की तली पर। करेक्ट आंसर है लेट ब्रेड के बाएं सिरे पर। नेक्स्ट हमारा, ब्रोचिंग वह प्रक्रिया है जिसमें एक उपकरण को छिद्र या सतह के माध्यम से पुश या पुल किया जाता है। एक वर्कपीस को उपकरण के माध्यम से पुश या पुल किया जाता है। वर्कपीस तथा उपकरण दोनों को छिद्र या सतह के माध्यम से घुमाया जाता है। केवल उपकरण को छिद्र या सतह के माध्यम से घुमाया जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे एक उपकरण को छिद्र या सतह के माध्यम से पुश या पुल किया जाता है। नेक्स्ट हमारा, मानक मीट्रिक सेल्फ होल्डिंग टेपर का टेपर अनुपात कितना होता है? 1:20, 1:25, 1:30, 1:50। करेक्ट आंसर हो जाएगा 1:20। नेक्स्ट हमारा, फोर्ज में ढक्कन का क्या कार्य होता है? वर्षा जल को आग पर गिरने से रोकना, फोर्ज को सुंदर बनाना, धुआं तथा धूल को बाहर फेंकना, ऊष्मा को भट्टी से बाहर निकलने से रोकना।
इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा धुआं तथा धूल को बाहर फेंकना। नेक्स्ट, सोलरन में फ्लक्स का कार्य होता है। सोलरन सतह से ऑक्साइडों को हटाना, संक्षारण रोकना, गीली सतह को प्रोन्नत करना, उपरोक्त सभी। करेक्ट आंसर होगा उपरोक्त सभी, सोलरन का सभी कार्य होता है। नेक्स्ट, हमारे चिन्हीकरण उद्देश्यों के लिए प्रयुक्त होने वाले इंजीनियर के हथौड़े का भार कितना होता है? 25, 250, 500, 1000। इसका करेक्ट आंसर 250 ग्राम का हथौड़े का वजन होता है। पतली ट्यूबिंग की कटिंग के लिए सर्वाधिक उपयुक्त हेक्सा ब्लेड होती है 1.8 mm की, 1.4 mm की, 1 mm की, 0.8 mm की। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 0.8 mm की। नेक्स्ट, हमारे लिमिट तथा फिट की भारतीय मानक प्रणाली के अनुसार मूलभूत टॉलरेंस के 18 ग्रेड हैं। मूलभूत सहायता या टॉलरेंस ग्रेडों की प्लास यानी रेंज है। दोस्तों, इसका हमारा थर्ड नंबर का जो आंसर है IT01, IT0 से लेके IT116 तक ये इसकी रेंज होती है। नेक्स्ट, हमारे अक्षर ड्रिल सीरीज में सबसे बड़ा ड्रिल साइज कितने के बराबर होता है? 10.32, 10.49, 12.01, 15। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 10.49 mm के बराबर होता है। नेक्स्ट, हमारे राउंड बार ड्रिलिंग को ज्ञात करने तथा पकड़ने के लिए सर्वश्रेष्ठ यंत्र का चयन कीजिए। समायुज लोकेटर, वी ब्लॉक, पिन लोकेटर, वेज टाइप लोकेटर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा वी ब्लॉक। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन 75 है। स्पिंडल के प्रत्येक परिक्रमण पर ड्रिल द्वारा जॉब के भीतर प्रविष्ट होने की दूरी क्या कहलाती है? ड्रिल की फीट, ड्रिल की स्पीड, ड्रिल की गहराई, ड्रिल की कटिंग स्पीड। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ड्रिल की फीड। तो दोस्तों, आज हमारा फिटर रेट का पेपर जो है, हमने एनालिसिस का पूरा सॉल्यूशन कर लिया, देख लिए हैं। अब नेक्स्ट वीडियो हम देखेंगे किसी दूसरे रेट का। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो आपको, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। दोस्तों, अगर आप पहली बार चैनल पर आए, चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।